इंदौर के एमवे अस्पताल में टेक्नीशियन के साथ डॉक्टर की मारपीट के विरोध में अस्पताल के लगभग 700 से ज्यादा टेक्नीशियन हड़ताल पर उतर आए हैं। दरअसल देर रात इमरजेंसी विभाग में दीपक नाम के टेक्नीशियन के साथ ड्यूटी डॉक्टर ने मारपीट की, जिसके बाद सभी टेक्नीशियन ने प्रबंधन से बात करने का प्रयास किया और डॉक्टर को 6 महीने तक सस्पेंड कराने की मांग की, लेकिन प्रबंधन ने इस बात से इनकार करते हुए उन्हें अपने मुताबिक जो निर्णय लेना है वह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया। तो मैं लेगा माइनॉरिटी के सामने, तो माइनॉरिटी के सामने मैं 2 घंटे तक खड़ा रहा, तो 2 घंटे तक खड़ा रहा, जो जिनको बोला था कि ये ड्रेसिंग करवाओ, मैं उनके पास बार बार गया था, तो वो सुन ही नहीं रहे, बात ही नहीं सुन रहे। फिर जब फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को नंबर चाहिए, जो भी करेंगे ड्रेसिंग, तो वो चलते चलते वो अंदर ओटी में चले गए। तो मैंने उनको बोला सर आप बाहर आओ, मेरे को नंबर चाहिए। तो जो साथ में डॉक्टर थे उन्होंने बोला बदतमीजी से क्यों बात करो। तो मेरे को लगा मैंने बाहर आओ बोला ऐसा गलती हो गई, तो मैंने बोला सॉरी। उस टाइम तो वो चले गए। फिर मैं वापस अपने पेशेंट को जहाँ पे एडमिट है वहाँ ले गया, उसको बेड पर लेटाया, फिर आग थोड़ी देर खड़ा रहा। फिर जैसे वो डॉक्टर आए, तनुज, डॉक्टर तनुज सर अभी बोल रहे अभी तो कार्रवाई करेंगे, बोले आगे जो भी है करेंगे। यहाँ पे एक डॉक्टर के द्वारा एक टेक्नीशियन को मारा गया, वो टेक्नीशियन जो कि नाइट आपके लिए ही काम कर रहा है, और उसे बिना बात के किसी भी चीज़ के लिए मारा गया। पहले अगर गलती थी तो आपको पूछना चाहिए, मामले को समझना चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा न्याय हमको यही मिले। आश्वासन यही दिया कि हमसे माफ़ी मांग ली जाएगी, हमको बोल रहे हैं कि आपको बाहर मतलब बुलवा के माफ़ी मांग ली जाए, पर माफ़ी मांगने से ही मुद्दा खत्म तो नहीं हो जाएगा ना। हम इतने स्टूडेंट आज यहाँ काम कर रहे हैं, इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, हमें तो कोई स्टाइफंड कोई पैसा नहीं मिलता ना, हम तो यहाँ पे अपनी फ्री सर्विस दे रहे हैं, और फ्री सर्विस होने के बाद हम किस चीज़ के लिए मार